मध्य प्रदेश में चुनाव के कुछ ही महीने बचे हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश के हर जिले में मतदाता सूची अपडेट की जा रही है। इसी कड़ी में सिंगरौली में भी मतदाता सूची में नाम जोड़े जा रहे हैं। सिंगरौली के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण परमार ने बताया कि सिंगरौली के तीनों विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केंद्रों में संक्षिप्त पुनरीक्षण मतदाता सूची का कार्य चल रहा है। 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके युवाओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देशों का कठोरता से पालन किया जा रहा है। बिना BLO के परीक्षण एवं सुनवाई का अवसर दिए बिना किसी का भी नाम मतदाता सूची से नहीं काटा जाएगा। तो जहां से एज स्क्वाड वाली बात है, 18-16 साल वाले, हमने कॉलेज को फोकस किया हुआ है और इसके अलावा जो स्कूल्स में भी है, जो 11-12 के स्कूल्स है, उसमें जो 18,000 के बच्चे हो जाते हैं, तो उनको भी हमने टारगेट किया हुआ है। और हमने आपसे भी अनुरोध कर रहे हैं कि इस तरह से लोगों को, मेरा सब मानना है कि लोगों को जागरूकता तो है, जो भी 18 साल का हो रहा है वो नाम जुड़वाना चाहता है, पर किसी कारण से कभी या उसे ध्यान से नहीं रहा या कुछ उसके लापरवाही कारण कुछ हो रहा, तो भी हमारे पास 31 तक का समय है कि उसमें आवेदन करें। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. Jahan hai 600 se zyada company tie-ups for placements. Atal Incubation Center for nurturing startups. Industry Academia collaboration for exposure of real industry world. 20 centers of excellence for research. Saathi Global Festival Vishwarang mein shamil hone ka avsar deta hai. Rabindranath Tagore University, unlocking potential. आप देख रहे हैं दखल न्यूज।